जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में उत्तर प्रदेश के लोगों से ये वादा किया था कि सरकार में आने के बाद हम जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जिस तरीके से संघ को बराबर जवाबदेही दी जा रही, जिनके मंत्री संघ को रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ धोखा है और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये चीज़ एक साथ और भी साबित हो गई कि आरएसएस ही इनकी मात्र संस्था है। भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप में ढकोसला है, उसका असली चेहरा आरएसएस है जो बराबर समाज को बांटने का काम करता है। उत्तर प्रदेश के लोग आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वादे किए गए थे आज वो पूरे नहीं हो रहे हैं और देश के संवैधानिक संस्थाओं को और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे संस्थानों को आरएसएस के लोगों को बैठाकर उनको प्रभावित और खंडित करने का काम किया जा रहा है।